गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करते हैं, जो आप लोग सबसे ज़्यादा पूछ रहे थे और मैंने बोला भी था कि इसके ऊपर वीडियो आएगी, कि बिहार टू दिल्ली का जो 1200 किलोमीटर का राइड थी उस पर खर्चा कितना आया, बाइक की परफॉर्मेंस कैसी थी, क्या कुछ था, मतलब हैंडलिंग, क्रूजिंग एंड पेट्रोल कितना लगा, सब कुछ तो बताऊँगा आज वीडियो पर। सबसे पहले तो आप लाल बटन दिख रहा होगा तो उसको दबा दो, अगर नहीं दिख रहा है तो आपने दबा रखा है ऑलरेडी। तो सबसे पहले मैंने वीडियो में भी वो दिखाया है जो कुछ भी है, तो बात करते हैं माइलेज की। तो सबसे पहले मैंने मुजफ्फरपुर में डलवाई थी और 1150 का पेट्रोल, ठीक है, तो 1150 का डलवाया। उसके बाद जो दूसरा वाला डलवाया था 1200 का, 1190 का, यानी कि 1200 मानते हैं लखनऊ में, ठीक है। तो और उसके बाद मैंने तीसरी जगह जो डलवाई थी वो था यमुना एक्सप्रेसवे पे, एक जो मतलब खाने पीने का जो होता है वहाँ पे रुका था मैंने, तो वहाँ 500 का डलवाया था। उसके बाद दिल्ली में 500 का डलवाया था, मतलब दिल्ली अंदर यहाँ पे पास में ही आ गया था तो डलवाया था। तो पेट्रोल हो गया 3350 का। वेल गाइस, और दूसरी जो चीज़ थी कि मैंने मथुरा में स्टे लिया था तो वहाँ 500 रुपये लगे थे, अच्छा था, मतलब लाइन होटल ही था, ठीक ठाक स्टे मिल गया था, रूम वूम बहुत बड़ी थी, 500 रुपये उसमें। उसके बाद लगा था टोल टैक्स यमुना ताज पे, तो एक जगह 195, एक जगह 205, यानी कि 505 रुपये या 10 रुपये का टोल टैक्स लगा, ठीक है। उसके बाद फूड का मिला जुला के मैंने फूड बहुत कम खाया, मतलब ज़्यादातर चाय पी मैंने, तो चाय का फूड वूड कुछ कुछ खाया था, उसका ले लेते हैं 300 रुपया, ठीक। तो टोटल आ रहा होगा स्क्रीन पे, इतना हो गया। वेल गाइस, ये तो हो गया खर्चा, ठीक है। उसके बाद अब करते हैं बाइक के बारे में बातचीत। तो सबसे पहले भैया बाइक का क्रूजिंग स्टेबिलिटी, तो क्रूजिंग स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी रही, ठीक है। मतलब मैं 80 to 110 115, मतलब 80 स्पीड से लेकर 115 की स्पीड तक भगाया बाइक को, उसमें कुछ भी ऐसा शेक वेक नहीं हो रही थी, बाइक एकदम स्टेबिलिटी जो थी ना एक नंबर थी। मतलब होता है ना कि हाई स्पीड पे आप जाओ तो ऐसे ऐसे होने लगती है, वो नहीं हुई, ठीक है। एंड हैंडलिंग, वही बात हो गई, हैंडलिंग एक नंबर की थी, अच्छी थी, स्टेबल थी गाड़ी पूरे रास्ते में। उसके बात करते हैं हेडलाइट देखो ठीक ठाक है, शहर के लिए काफ़ी अच्छा हेडलाइट है हॉर्नेट की, बट आपको हाईवे के लिए ना इससे काम नहीं चलेगा। मैंने कैसे कैसे काम कर लिया, मतलब मिला जुला के मैं आ गया, बट आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, आपके पास हॉर्नेट है और आप लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो तो आप फॉग लैम्प एक्स्ट्रा लाइट लगवाओ, उससे काम नहीं चलेगा, जो उसमें स्टॉक लाइट है। नो डाउट लाइट अच्छी है, थ्रो अच्छा है, शार्प है, बट एक्स्ट्रा लाइट आपको लगवाने पड़ेंगे, समझ गए भैया। अगला जो पॉइंट है इंजन हीटिंग की, तो ये मुझे भी लग रहा था कि भाई साहब बाइक कहीं ना यमुना एक्सप्रेस पे या ताज एक्सप्रेस वे पे इंजन हीट होके बंद हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, इंजन हीट नहीं हुई, मेरे बाइक में ऐसा इशू नहीं आया। बहुत भाइयों के बाइक्स में ऐसा इशू आ रहा है कि उनका इंजन हीट होके बंद हो जा रही है, तो आई डोंट नो, मेरे में ऐसा नहीं हुआ, और मे बी जाड़े का सीजन है इसलिए, या पता नहीं, इंजन पे डिपेंड करता है, तो वो इंजन हीट नहीं हुआ, ठीक। अगली जो बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ब्रेक्स, तो ब्रेक्स के बारे में मैं पूरे रास्ता बात करते हैं। मेरा जो फ्रंट ब्रेक पैड था ना वो घिस गया, 7000 चल चुकी है गाइस, तो ऑलरेडी वो घिसी पड़ी है, और मैंने उसको 1200 लगातार चलाया तो पूरी की पूरी घिस गई, दिल्ली आते आते तक एकदम ख़त्म हो गया, आवाज़ें आने लगी, तो मैंने उसे नेक्स्ट डे जाके सर्विस करवाई, चेंज करवाया, बाकी रियर ब्रेक वगैरह सब कुछ ठीक था, मस्त था। उसके बाद बात कर लेते हैं सीट कुशंस की, तो हाँ भैया ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो तो ये ज़रूरी है कि आपका सीट कैसा हो। तो सीट को मिला जुला के ठीक ठाक कहूँगा, बट एक एंड के बाद ना, मतलब एक टाइम के बाद लगने लगता है कि मतलब चुभने लगती है, चाहे कितनी भी गद्देदार सीट हो या कुछ भी हो, वो चुभने लगता है, ऊपर से जीन्स पहन के करो तो और मतलब दर्द देने लगता है बॉम पे। तो सीट मिला जुला के ठीक है, 500 किलोमीटर तक कोई दर्द दुख कुछ भी ऐसा नहीं होता है, बट 500 के बाद ना चुभने लगती है और आप चाहने लगते हो कब आए हमारा डेस्टिनेशन। तो अगर आप करोगे इस पर, तो आप राइडिंग पैंट में करोगे तो आई गेस उस पर नहीं होगा, या बहुत सारे फोम वाला आ गया है या गद्दे वाला आ गया है या कुशन्स बहुत तरह के आ चुके हैं, आप वो लगवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सस्पेंशन की, तो ये बहुत अहम चीज़ है सस्पेंशन। तो रियर और फ्रंट मेरा ना बहुत अच्छा काम किया, वेल परफॉर्म किया, बिकॉज इस पर सामान काफ़ी थे, वेट भी काफ़ी था,
फ्रंट का तो बहुत सही था, मुझे लग रहा था रियर का स्टिफ होगा, बट नहीं, रियर का भी बम्प्स पे जर्क्स पे मतलब सही परफॉर्म कर रहा था, मतलब सस्पेंशन सही है यार, भी यूएसडी है तो सही तो होगा ना, सस्पेंशन मस्त। उसके बाद करते हैं क्रूजिंग एवरेज स्पीड की, तो आप लोगों ने तो वीडियो में देखा ही होगा 80 से लेकर 110 तक 115 तक मैं गया, ठीक है, और ज़्यादातर ना मैं 85 से लेकर 90 तक मैंने क्रूज़ करा बाइक को, ठीक है, कि एवरेज भी मिलेगी और मतलब बाइक की हैंडलिंग वगैरह ग्रिप वगैरह सही रहेगा। तो गाइज अब कंपेयर करें कि लास्ट टाइम मैं दो दफ़ा आया हूँ दो बाइक से, एक 2018 में आया था जिक्सर से, जिक्सर 155 से, तो उसमें 2400 का पेट्रोल लगी थी, ठीक है, और CBR से भी आया था तो उसमें भी 2600 या 2700 का पेट्रोल लगा था। अब बात करते हैं इसमें मतलब 3300 का पेट्रोल कैसे लगा, तो देखो मेन कारण थी ना वेट, बाइक पे ना काफ़ी वेट थी, आई मीन मेरा 70 था मेरा वेट, उसके बाद सामान काफ़ी भारी थे उस पर, पीछे जो मैंने बांध रखे थे काफ़ी उस पर वजन था, मतलब इसलिए मुझे भी फील हो रहा था कि भाई इस पर सामान काफ़ी मैंने लादे हैं। नो डाउट ग्रिपिंग अच्छी मिल रही थी, ब्रेकिंग सही हो रहा था, स्टेबिलिटी वगैरह भारी होने के कारण सही थे, बट माइलेज पे असर पड़ा, नहीं तो इसको भी मैं 2100 से 2400 2500 के बीच के पेट्रोल के बीच में मैं ले आता, 2400 के पेट्रोल में इसे भी मैं ले आता, बट सामान भारी होने के कारण बाइक पे वेट पड़ी, वेट पड़ने के कारण फ्रिक्शन होता है एंड माइलेज पे असर जाहिर सी बात है आएगा ही। तो ये थे CBR से भी मुझे कम पेट्रोल लगे थे बिकॉज उस पर वेट नहीं था, जिक्सर पे भी वेट नहीं था, इसलिए 2400-2500 के पेट्रोल में 1200 किलोमीटर कर दी थी, और उस समय पेट्रोल की का जो दाम था ना वो भी सस्ता था, कितना था 70-80 ऐसे रहा होगा ऐसे तीन साल पहले, ये चीज़ थी। तो सोचा कि वीडियो के माध्यम से आपको बता दूँ कि मेरी कितनी मतलब खर्चा आया, कितना कुछ हुआ, यही सब है, मोटा मोटी 3500 का पेट्रोल और जो एक होटल में 500 यमुना एक्सप्रेस वे पे और 200-400 खाने पीने का, यही है। सोचा आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं और मतलब जो कुछ भी क्वेरीज रहेगा कुछ भी रहेगा ऐसा तो आप लोग पूछ लेना कमेंट में, मैं जवाब दूंगा बताऊंगा, मोटा मोटी यही रहा। तो देखो कम सीसी के बाइक्स होने में फ़ायदे तो हैं बट ये है कि बहुत लेट पहुंचाती है, मतलब लेट ही पहुंचाती है, और वही हायर सीसी बाइक हो तो जल्दी पहुंचाती है, मतलब वो पेट्रोल भी ज़्यादा खाती है। तो यही थी वीडियो आज के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव लाइफ लिव अ ड्रीम, बूम। और फिर मैंने गर्म पानी डाला था ताकि देख रहा हूँ 6-7 साल बाद इसमें ये काम करता है कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।